Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is IEEE 802.6 standard. That is the standard for metropolitan area network and this standard is also known as distributed queue dual bus, DQDB. So let's start the discussion on IEEE 802.6 DQDB. So, as I told you, IEEE 802.6 standard is for metropolitan area network, which is also known as distributed queue dual bus. So, just have I'm clear distributed queue dual bus. So, it means a queue that is distributed among multiple computers, and we have dual bus, means two buses in the network. As you can observe in the diagram, we have two buses here. बस ए एंड बस बी एंड बोथ द बसेस आर यूनिडायरेक्शनल मींस द डायरेक्शन ऑफ द बस ए इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द डायरेक्शन ऑफ द बस बी इज राइट टू लेफ्ट एवरी स्टेशन इज कनेक्टेड टू बोथ द बसेस अब जितने भी स्टेशन है इस नेटवर्क में सभी के सभी दोनों बसेस के साथ कनेक्टेड है तो अब पॉइंट ये है कि हम दो बसेस क्यों यूज कर रहे हैं इफ अ स्टेशन वॉन्ट टू ट्रांसमिट द डेटा टू इट्स राइट हैंड साइड स्टेशन मींस इफ द स्टेशन ए टू ट्रांसमिट द डेटा टू स्टेशन बी सी डी और ई इट विल बी यूजिंग द बस ए बट इफ स्टेशन वॉन्ट्स टू ट्रांसमिट द डेटा टू द स्टेशन ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड

तो so, ट्रांसमिशन करने से पहले हर स्टेशन को पहले बस को रिजर्व करना पड़ेगा क्योंकि अब इस नेटवर्क में होएगा क्या द एम्पटी सेल द सेल इज द टर्म ऑफ द द फ्रेम सेल विल बी जनरेटेड बाय द हेड एंड एंड देन दैट सेल विल बी ट्रांसफर्ड इन द बस द स्टेशन दैट वांट्स टू ट्रांसमिट द डेटा विल कॉपी इट्स डेटा टू द एम्पटी फ्रेम तो इस तरह से वो एम्पटी फ्रेम के ऊपर एक्सेस लेने के लिए हमें सबसे पहले रेजर्वेशन करनी होगी तो वो रेजर्वेशन कैसे होती है कैसे डेटा ट्रांसफर होता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के सो इन आई ट्रिपल डी क्यू डी बी एज आई टोल्ड यू ऑल द स्टेशन आर अटैच टू बोथ द बसेस है

तो हेड एंड से स्टार्ट करके सेल ट्रेवल करना स्टार्ट करता है इनिशियली वो सेल एम्पटी होता है और जैसे वो सेल लास्ट में पहुंचता है बस के इट इज ऑटोमेटिकली ड्रॉप नाउ ईच सेल हैज अ 44 बाइट पेलोड फील्ड तो ऑब्वियसली हर सेल में पेलोड uh, के लिए मतलब कंट्रोल इंफॉर्मेशन और डेटा दोनों चीजें रहती हैं तो इसी तरह से अब जो डी क्यू डीबी में हम सेल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसमें भी दोनों चीजें होंगी उसमें कंट्रोल uh, इंफॉर्मेशन भी होगी और डेटा भी होगा तो कोई भी स्टेशन जब वो किसी सेल को ऑक्युपाई uh, करना चाहता है उसको सबसे पहले उसको रिक्वेस्ट करना होगा नाउ अ स्टेशन नीड टू नो लोकेशन ऑफ द स्टेशन टू होम इट वांट्स टू ट्रांसमिट द डेटा जैसे फॉर एग्जांपल

क्योंकि अगर वो राइट हैंड साइड पे हुआ तो बस ए यूज होगी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ तो बस बी होगी तो जैसे ही कोई स्टेशन डेटा ट्रांसमिट करेगा ट्रांसमिशन के लिए वो क्या करेगा वो रेजर्वेशन सबसे पहले करेगा एंड ऑन इट्स टर्म इट विल कॉपी इट्स डेटा टू द सेल तो एज आई टोल्ड यू इन एट जीरो टू डॉट सिक्स द स्टेशन डू नॉट सेंड डेटा इमीडिएटली कोई भी स्टेशन है जो वो डेटा इमिडिएटली सेंड नहीं कर सकता दे क्यू दे बिकेम रेडी टू सेंड एंड ट्रांसमिट इन इन फर्स्ट फर्स्ट आउट ऑर्डर तो जिस भी स्टेशन के पास डेटा होता है वो पहले रिक्वेस्ट करेगा फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे सभी स्टेशन को चांस मिलेगा टू ट्रांसमिट द डेटा नाउ टू सिमुलेट द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू स्टेशन मेंटेन्स दो टू काउंटर्स आर सी रिक्वेस्ट काउंटर एंड सी री काउंटाउन काउंटर तो अब वो सारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की क्यू है जो उसको मेंटेन करने के लिए हर स्टेशन दो काउंटर्स को मेनटेन करता है रिक्वेस्ट काउंटर को और काउंट डाउन काउंटर को तो so जैसे ही कोई स्टेशन है जो वो रिक्वेस्ट करता है तो बाकी सभी स्टेशन का रिक्वेस्ट काउंटर है वो इंक्रीज हो जाता है बाय वन और जिस स्टेशन के पास डेटा होता है ट्रांसमिशन के लिए वो अपने रिक्वेस्ट काउंटर के डेटा को की वैल्यू को कॉपी कर देता है काउंटडाउन टाइमर में और रिक्वेस्ट काउंटर को सेट कर देता है जीरो पे नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट आ स्टेशन नीड टू वेट बिफोर द ट्रांसमिशन तो अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है

किसी भी स्टेशन के पास डेटा नहीं है ट्रांसमिशन के लिए इनिशियली रिक्वेस्ट काउंटर और काउंटडाउन काउंटर की वैल्यू होगी सभी स्टेशन के लिए जीरो तो इनिशियली, सेट टू जीरो अब टाइम टी जीरो पे किसी स्टेशन के पास भी डेटा ट्रांसमिशन के लिए नहीं है तो अब मान लीजिए एट टाइम टी वन एट टाइम टी वन स्टेशन नंबर डी हैज समेटा टू ट्रांसमिट ना दिस स्टेशन नंबर डी वॉन्ट टू ट्रांसमिट दू स्टेशन नंबर तो अब केस क्या हो गया कि टाइम टी वन पे डी के पास कुछ डेटा आ गया ट्रांसमिशन के लिए और वो डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है ई e को तो अब उसको रेजर्वेशन करनी होगी तो रेजर्वेशन के लिए उसने क्या किया जिस बस में डेटा ट्रांसफर होएगा डी टू क्योंकि डी टू इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डी तो कौन सी ट्रांसमिशन के लिए बस यूज होगी ए तो बाकी जो स्टेशन है ए बी सी अगर उनके पास भी डेटा हुआ तो कौन सी बस यूज होगी ई e को ट्रांसमिट करने के लिए ए तो इससे पहले कि कोई और ट्रांसमिट करे क्योंकि टाइम टी वन पे डी के पास सबसे पहला डेटा है तो हमारी कौन सी इसमें इंप्लीमेंट होता है डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डी तो के पास तो सबसे पहले डेटा ट्रांसमिशन का वो तो यहां से स्टार्ट होगा ना तो वो एम टी सेल सबसे पहले ए के पास जाएगा अगर ए को हमने नहीं रोका तो वो एम टी सेल में अपना डेटा कॉपी कर देगा जबकि ए ने रिक्वेस्ट किया है डी के बाद तो अब हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को मेंटेन करने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए तो उस मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे जैसे ही डेटा होएगा डी के पास ट्रांसमिशन के लिए वो डाउनस्ट्रीम बस पे मींस जिस बस पे डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा उसकी ऑपोजिट बस पे एक रिक्वेस्ट भेजेगा रेजर्वेशन रिक्वेस्ट भेजेगा वो रेजर्वेशन रिक्वेस्ट क्या करेगी वो लेफ्ट हैंड साइड के सभी स्टेशन की जो रिक्वेस्ट काउंटर है उसकी वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देगी सो द रिक्वेस्ट काउंटर विल बी इंक्रीज अब पॉइंट ये है कि रिक्वेस्ट जो फ्रेम है वो बस बी पे क्यों गया क्योंकि स्टेशन डी ने सी बी और ए इन तीनों को रोकना है और डी ने अगर इनको रोकने के लिए कोई सेल ट्रांसमिट करना है तो बस ए पे तो ट्रांसमिट होगा नहीं क्योंकि बस ए की डायरेक्शन क्या है लेफ्ट टू राइट तो अब जो रिजर्वेशन uh, के लिए डी ने जो रिक्वेस्ट करनी है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी राइट टू लेफ्ट इसीलिए वो स, बस बी को यूज करेगा फॉर द रिक्वेस्ट तो टाइम पे डी के पास डेटा था उसने रेजर्वेशन कर दी और उस रेजर्वेशन से में उसने रिक्वेस्ट किया और जितने भी उससे पहले स्टेशन थे ए बी और सी उन सभी के रिक्वेस्ट काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया वाई One. तो पहले जीरो थी तो सभी की रिक्वेस्ट काउंटर की वैल्यू क्या हो गई वन 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 तो अब टाइम टी टू पे देख लेते हैं क्या हुआ अब टाइम टी टू पे क्या हुआ स्टेशन बी के पास भी कुछ डेटा है ट्रांसमिशन के लिए तो अब डी का तो प्रायोरिटी सेट हो चुकी है अब बी ने क्या किया उसके पास डेटा था ट्रांसमिशन के लिए उसने क्या किया अपनी आरसी की वैल्यू सीडी में कॉपी कर दी और आरसी को सेट कर दिया जीरो पे और उसके बाद जो उसके पहले प्रीडिसिसर स्टेशंस थे मींस स्टेशन ए उसकी आरसी की वैल्यू को वाई वन इंक्रीज कर दिया तो टाइम टी वन पे जो रिक्वेस्ट काउंटर था ए उसकी वैल्यू थी 1 लेकिन टाइम टी2 पे क्योंकि बी के पास भी डेटा है उसने भी रिक्वेस्ट भेज दी है तो A स्टेशन की रिक्वेस्ट काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई वाई वन एंड इट बिकेम बिकम टू तो अब पूरा सीन फिर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं डी ने सबसे पहले करा उसको सबसे पहले चांस मिलेगा सी और ए के पास कुछ डेटा ही नहीं है ट्रांसमिशन के लिए बी के पास डेटा है ट्रांसमिशन के लिए दैट इट वॉन्ट्स टू सेंड टू द ई बट उसको अब वेट करनी पड़ेगी कितनी वेट करनी पड़ेगी द टोटल वैल्यू ऑफ द काउंट डाउन टाइमर तो एक फ्रेम की उसको वेट करनी पड़ेगी इट मीन जो पहला फ्रेम आएगा फ्रॉम हेड एंड वो बी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके काउंटर उसका वेटिंग वेटिंग टाइम टाइम कितना है जब है जबकि डी का जीरो सो द डी विल गेट द चांस टू कॉपी इट्स डेटा टू द इनकमिंग एम्प्टी सेल तो इस तरह से हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को मेंटेन करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूल बस तो जैसा मैंने कहा था अब क्या हुआ टाइम टी थ्री पे फिर से देख लेते हैं टाइम टी थ्री पे क्या हुआ एक एम टी से बी के पास गया, A के पास लेकिन तो डेटा था लेकिन उसके काउंटर की वैल्यू कितनी थी वन तो इस फ्रेम में वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता तो उसने इस सेल को पास होने दिया तो जैसे ही यह सेल पास हो गया तो बी ने क्या किया अपने काउंट डाउन

इट विल बी ड्रॉप तो फिर आएगा सेल नंबर टू सेल नंबर टू ए के पास जाएगा उसके पास कुछ डेटा नहीं है सेंड करने के लिए बी के पास जाएगा वो अपना काउंट डाउन टाइमर काउंट कर चेक करेगा जिसकी वैल्यू है इट मीन तो वो अपना डेटा जो है कॉपी कर देगा एम्पटी फ्रेम में एंड देन इट विल बी डिलीवर टू द डेस्टिनेशन स्टेशन दिस इज हाउ द रेजर्वेशन इज मेड एंड हाउ द डेटा ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूल बस नाउ लेट्स तो हेडर फॉर्मेट में जो डी क्यू डीबी का इट कंटेन्स टू थिंग्स कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड डेटा नाउ पेलोड इज ऑल्सो कोल्ड द डेटा दिस इज डेटा एंड दिस इज द कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इज कॉल्ड सेल तो सेल में अब दो चीजें हैंडर और पेलोड का जो साइज बाइट का जो साइजी फोर बाइट तो हैडर इज फर्दर डिडेड इन टू फाइव डिफरेंट फील्ड एक्सेस फील्ड ऑफ एट बेट्स एड्रेस फील्ड ट्वेंटी बेट्स टाइप टू बेट्स प्रयोरिटी टू बेट्स एंड सीआरसी एट बेट्स

तो उसकी बिजी बिट को वो सेट कर देगा वन बिट सेट करने का मतलब मीनिंग क्या है कि द सेल इज ऑक्युपाइड द सेकेंड इज इट मीन अब जब ए uh, ने डेटा कॉपी कर दिया अपना सेल में तो जब वो सेल बी के पास जाएगा तो बी चेक करेगा उसका बी फील्ड इन एक्सेस फील्ड अगर उसकी वैल्यू वन हुई इट मीन द सेल इज ऑक्युपाइड इट इज नॉट फ्री द सेकेंड इज स्लॉट टाइप

लिए वो डेटा को रीड करेगा और डेटा को रीड करने के बाद उसकी वैल्यू सेट कर देगा जीरो so जो भी डेटा था सेल में वो रीड हो चुका है जिसके लिए वो भेजा गया था देन द नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट इट कंसिस्ट ऑफ थ्री बेट्स टू मेक रेजरवेशन तो दिस इज यूज फॉर द

क्या उसमें पेलोड है या मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है मेंटेनेंस के लिए यूज हो रहा है देन फोर्थ प्रायोरिटी फील्ड जो नेटवर्क में प्रायोरिटी के लिए हम यूज करते हैं स्टेशन प्रायोरिटी के लिए the अब uh, मान लीजिए ए ने डेटा भेजा लेट्स uh, सपोज ए ने डेटा भेजा ई के लिए तो ऑन रिसीविंग द डेटा द ई विल चेक द डेटा

सो आई होप आपको एट जीरो टू डॉट सिक्स के सारे uh, जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हुए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टूडे सी यू इन द नेक्स्ट सेशन